मैं मोहम्मद साबिर अली, जो याकूतपुरे हाफिज़ नगर का रहने वाला हूँ। मैं प्रैक्टिसिंग एडवोकेट भी हूँ। रिसेंटली जो मेरा वीडियो वायरल हुआ है उसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बारिश की वजह से जो नुकसान हुए हैं मेरे घर के, उसकी वजह से मैं परेशान हो गया। इस वजह से मैं परेशान होकर कुछ ऐसे अल्फाज निकल गए मुझसे MIM पार्टी के बारे में। मैं माफ़ी चाहता हूँ मेरे ख़ायस से, असदुद्दीन साहब से। मैं MIM पार्टी का हूँ, मैं MIM पार्टी मेरी है। मैं हर बार MIM का काम करा। मैं घर पर नहीं था, बारिश की वजह से बाहर था। आकर देखा मेरा घर पूरा डूब गया है, सारा सामान पूरा ख़राब हो चुका है। बाहर गाड़ी ठहरी हुई थी वो भी बह गई। घर के नुकसान, बाइक के नुकसान की वजह से मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। मेरी मैं बीपी पेशेंट हूँ, मुझे मेरी बीपी बढ़ गई। इसकी वजह से मैं क्या कहा क्या नहीं कहा मुझे कुछ समझ में नहीं आया। बस्ती वालों की भी परेशानी देखकर मैं परेशान हो गया। असद साहब आकर हिम्मत दिए और हमारी परेशानी दूर करे। नाले की दीवार भी टेम्पररी कंप्लीट कराए, रोड कंप्लीट कराए, सही कराए। अगर किसी को अगर परेशानी है तो आप असद साहब से डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते, असद साहब से काम करा सकते। असद साहब हमारी मदद करें आके। मैं माफ़ी चाहता हूं असद साहब से। मैं एकदम परेशान होकर, मेरी परेशानी देखकर मैं परेशान, मेरा सामान जो घर में जितना भी सामान है, मेरी बचपन की कमाई से पूरा ये जमा करा मैं, पूरा सामान मेरे घर का वो पूरा ख़त्म हो गया। मेरी हर चीज़ घर की ख़त्म हो गई। इस वजह से मेरे को टेंशन आकर मैं क्या कहा क्या नहीं कहा मुझको कुछ भी समझ में नहीं आया। मैं इंतहाई तहे दिल से मैं असद साहब से, मैं इंतहाई मेरे ख़्याल से मैं माफ़ी चाहता हूँ। इंशाल्लाह ताला आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी मुझसे। और मैं MIM का काम करता था, करता हूँ और करता रहूँगा इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम।